कल रात को खेले गए टाटा आईपीएल के 43वें मुकाबले में दोनों टीमें बेंगलोर और लखनऊ के बीच गर्मागर्मी देखने को मिली। मैच में बवाल हो गया। मैच के दौरान विराट कोहली आक्रामक भी दिखे। कई प्लेयर्स के साथ उनकी छोटी मोटी तकरार भी हुई जो आखिरकार फाइट में तब्दील हो गई। दरअसल विराट कोहली ने लखनऊ के बल्लेबाज नवीन उल हक को 17वें ओवर में कुछ कहा, इसके बाद दोनों में भिड़ंत हो गई। मैच समाप्ति के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने हो गए। दोनों का अंदाज काफी भयानक और आक्रामक था। बाद में केएल राहुल ने बीच बचाव करते हुए मामले को सुलझाया। इस विवाद के बाद बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए विराट कोहली और गौतम गंभीर पर जुर्माना लगाया। कोहली और गंभीर की 100% मैच फीस काटी गई, वहीं नवीन उल हक की 50% मैच फीस काटी गई। आपको बता दें कि विराट कोहली और गौतम गंभीर का विवाद करीब 10 साल पुराना है। इससे पहले भी दोनों कई बार आमने सामने हो चुके हैं। इससे पहले साल 2013 में भी दोनों के बीच काफी आक्रामक फाइट देखने को मिली थी। आईपीएल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।